नमस्कार दोस्तों, झारखंड डिफेंस जॉब के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस क्लास पे देखने वाले हैं धनबाद चौकीदार पेपर 2024। तो दोस्तों, आप लोगों का फॉर्म भरा जा चुका है और इनका शायद रिएक्शन लिस्ट भी आ चुका है। तो सभी अभ्यर्थी तैयार है दोस्तों, इनका एग्जामिनेशन जल्द ली जाएगी दुर्गा पूजा के बाद, ठीक है। और हमारा जो दोस्तों क्लासेस रहेगा, एक से बढ़कर एक और बेस्ट से बेस्ट प्रश्न लाएंगे, ताकि दोस्तों डिटो हमारे स्टडी मटेरियल से आपको जो हम पढ़ाएंगे वो डिटो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो धनबाद चौकीदार का दोस्तों जिला संबंधित प्रश्न हमसे जितना बन पा रहा है दोस्तों, सारे प्रश्न को कवर किया हूँ। तो चलिए VVI प्रश्न को एग्जाम से पहले हम लोग जरूर पढ़ लेते हैं। और आप लोगों से अपील होगी, इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों जो नेक्स्ट क्लास आए पार्ट टू पार्ट थर्ड फोर सारे क्लासेस आपके नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पे जा पाए। इससे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए टाइम को ना गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप लोग क्लास देखने से पहले आप लोग एक कलम और कॉपी लेकर बैठिएगा, ताकि मैं जो आप लोगों को पूरा एनालिसिस कराऊँ हर प्रश्न का, दोस्तों आप लोगों को आंसर लिखते चलना है क्वेश्चन समेत, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या एक आप सभी के स्क्रीन के सामने। धनबाद जिले का स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों हम लोग इजी से लेकर हार्ड तक के सवाल, पंचायत गांव लेवल प्रखंड लेवल के सवाल लाऊंगा। तो ये हमारा आज का इजी क्लासेस से लेकर मैं हार्ड जाऊंगा, इजी मॉडरेट टू हार्ड, ठीक है। तो धनबाद जिला का स्थापना दोस्तों किस वर्ष हुआ था? 1956 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, 1956 में, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों धनबाद जिला का जो स्थापना हुआ था, अगर डेट के साथ पूछ देगा कि कब हुआ था, तो देखिए ऑप्शन पे दिया गया है 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर डेट रखेंगे, 1956 में धनबाद जिला का स्थापना हुआ था, ठीक है, 24 अक्टूबर 1956 को। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धनबाद जिला का दोस्तों समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? धनबाद जिला का समुद्र तल से दोस्तों ऊंचाई कितनी मीटर है? तो ये आप लोगों को बताना है 222, ठीक है, 222 मीटर, 222, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। धनबाद जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है? धनबाद जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों आप लोगों को पता है झारखंड में कुल क्षेत्रफल की जो संख्या है 79,714 है 24 जिला को मिलाकर। तो धनबाद में कितना है क्षेत्रफल, ये आप लोगों को बताना है। तो 2886 वर्ग किलोमीटर, 2886 वर्ग किलोमीटर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धनबाद जिला का दोस्तों कुल जनसंख्या कितनी है? धनबाद जिला जो है कुल जनसंख्या कितना है यहाँ पर? 26,84,487, ठीक है, सॉरी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 26,84,487, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। और दोस्तों आप लोगों से खास अपील होगी, जो भी अभ्यर्थी धनबाद चौकीदार की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, हमारी टीम के द्वारा 2400 जिला में हर एक जिले का अलग अलग मॉडल सेट तैयार किया गया है। तो अभी तक धनबाद चौकीदार का 10 मॉडल सेट नहीं लिए हैं, और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, और ये जो चौकीदार की जो भर्ती निकल कर आई है दोस्तों, ये गवर्नमेंट जॉब है। इनका स्टार्टिंग सैलरी दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, 25,000 रुपया आपको स्टार्टिंग सैलरी है, ठीक है। 3 साल अगर आप ड्यूटी कर देंगे तो इनकी स्टार्टिंग सैलरी 33,000 हो जाएगी, और ज़िंदगी में बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। चौकीदार भर्ती दोस्तों 10 से 15 साल बाद आई है, तो आप इस मौका को जाने ना दें हाथ से, और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, सरकारी जॉब मिले, तो 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट हमारे साथ दोस्तों तैयारी कीजिए, ठीक है। बहुत कम कॉस्ट पर करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं सबको बताएंगे। चलिए प्रत्येक मॉडल सेट पर दोस्तों हम 50 प्रश्न रहेंगे, जो कि आपका एग्जामिनेशन में 50 सवाल रहेंगे। तो मैं प्रैक्टिस सेट दोस्तों मॉडल सेट वैसे ही तैयार किया हूँ जो एग्जामिनेशन में पूछेंगे, और 10 मॉडल में दोस्तों 500 प्रश्न रहेंगे। और हमारे टीम के द्वारा दोस्तों आपको व्हाट्सएप पे PDF दिया जाएगा, हमारे टीम के द्वारा आपको व्हाट्सएप पे PDF दिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी लेना चाहते हैं, 149 रुपया का पेमेंट लग रहा है, PDF देंगे आपको व्हाट्सएप पे, 149 रुपया का PDF लग रहा है, ठीक है। तो फ़ोनपे गूगल पे नंबर हमारा यही है, देख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर यही है। और एक बात दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी छात्र कॉल नहीं कीजिएगा, देखिए वार्निंग दे रहा हूँ, कॉल का रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, कॉल बैक भी नहीं घूमेगा, कॉल कीजिएगा तो कॉल काट देंगे। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए जो भी पूछना है,
आपको जो भी पूछना है व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, और डायरेक्ट लेना है 149 रुपया पेमेंट कर दीजिए, यही नंबर है, फोन पे भी गूगल पे भी यही नंबर है और व्हाट्सएप भी यही नंबर है। पेमेंट करने के बाद आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और जिला का नाम लिख दीजिएगा और अपना नाम लिख दीजिएगा। पीडीएफ जो है हमारे टीम के द्वारा 2 मिनट के अंदर अवेलेबल करा दिया जाएगा। और एक बात, कॉल नहीं करना किसी अभ्यर्थी को। तो अगर आप दोस्तों चाहते कि आपका सिलेक्शन हो, वर्दी मिले, तो 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट करके जाए। और अभी तक का जो रिपोर्ट है दोस्तों, 3 अक्टूबर के सुबह 6 बजे तक 96 अभ्यर्थी ले चुके हैं बिना कोई एडवाइजमेंट का। ये हमारा पहला आज का क्लासेस है, तो मैं इनमें प्रचार किया हूँ। तो चलिए चलते अगले क्लास की ओर। प्रश्न संख्या 6, धनबाद का दोस्तों नगरीय आबादी कितना प्रतिशत है? धनबाद जिला का नगरीय आबादी दोस्तों 58%, यानी कुल जो आबादी है 58% आबादी नगर में रहते हैं और 42% आबादी दोस्तों 42% लगभग दोस्तों ग्रामीण में रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। धनबाद जिला झारखंड के किस भाग में स्थित है दोस्तों, आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये उत्तरी पूर्वी भाग में है, उत्तरी पूर्वी भाग में दोस्तों, पूर्वी भाग में है। ठीक है, 7 का ए हो जाएगा। चलिए, धनबाद जिला का दोस्तों पुरुष जनसंख्या कितना है? कुल जनसंख्या 26,84,487 है और पुरुष जनसंख्या का दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 14,05,956 है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। वहीं दोस्तों अगर मैं महिला जनसंख्या का बात कर लूं तो वो हो जाएगा आप लोगों का 12,78,000। वहीं ग्रामीण आबादी दोस्तों कितना है, तो ग्रामीण आबादी आप लोगों का जो है 11,24,000 है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धनबाद जिला का ग्रामीण आबादी का दोस्तों प्रतिशत कितना है? 41.87 और शहर का था कितना? 51.13। ठीक है, अंठावन पॉइंट तेरह होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए झारखंड में नगरीय जिला के दृष्टिकोण से धनबाद का दोस्तों स्थान क्या है? ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम आबादी है, प्रथम। झारखंड नगरीय जिला के दृष्टिकोण से दोस्तों धनबाद का जो स्थान है प्रथम है। धनबाद जिले में दोस्तों अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जो संख्या कितनी है ये बताना है, 2,33,119। धनबाद जिले का कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का दोस्तों कितना प्रतिशत है यानी एससी का, ये हो जाएगा 16.29%। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर। झारखंड जिले में अनुसूचित जाति की दोस्तों संख्या कितनी है तो ये बताना है, 4,37,309। धनबाद जिले का कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है तो ये हो जाएगा 8.68। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्लास की ओर चलते हैं दोस्तों। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ फिर से, धनबाद चौकीदार का तैयारी कर रहे हैं, 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट आप हमारे साथ जुड़े तैयारी कीजिए, गाइडलाइन करूँगा। और ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे 149 रुपया पेमेंट करके दोस्तों ले सकते हैं। और जो भी चाहिए आप लोगों को 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट से संबंधित, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं करना है। कॉल कीजिएगा, कॉल का रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, कॉल काट दिया जाएगा। तो 149 रुपया का पेमेंट लग रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं, आप भी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, 149 रुपया का पेमेंट लग रहा है, गुरु दक्षिणा का राशि लग रहा है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, धनबाद जिला का दोस्तों लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों पर कितनी यहाँ महिला है तो ये हो जाएगा 909। पूरा 24 जिला में दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात जिला वाला यही है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। धनबाद जिले का दोस्तों बाल लिंगानुपात कितना है तो ये हो जाएगा आपका 916 बाल लिंगानुपात। चलिए धनबाद जिला का दोस्तों जनसंख्या कहना तो कितना है, 1 किलोमीटर के एरिया में कितने ज़्यादा आदमी रहते हैं तो पूरा झारखंड में 24 जिला दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहना तो इसी पे है, इसी जिला में, ये भी एक ध्यान रखिएगा, 1316 आदमी रहते हैं 1 किलोमीटर के एरिया में। ठीक है, चलिए धनबाद का दोस्तों पुरुष साक्षरता दर कितना है? बीबीआई दोस्तों प्रश्न है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा 83.81% यहाँ का साक्षरता दर है, तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी पहल है। महिला साक्षरता दर दोस्तों यहाँ का क्या है तो 64.29 है। ठीक है, 64.29 है। तो चलिए दोस्तों आज का जो है हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं। और 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, 149 रुपया में नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, 86 51 88
44443 इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।